फर्क पड़ता है जब आपका फ्रेंड किसी और को ज्यादा अटेंशन देने लगे। जब दो लोगों के बीच में कनेक्शन स्ट्रांग होता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी पोसेसिवनेस डेवलप हो ही जाती है, चाहे वो ऑपोजिट सेक्स हो या सेम सेक्स, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो किसी और फ्रेंड को ज्यादा अटेंशन देने लग जाए या किसी नए फ्रेंड को ज्यादा अटेंशन देने लग जाए तो फर्क पड़ता है। इट्स लाइक भाई, तेरे सीक्रेट्स बस मुझ तक थे, तेरी हर दिन की बातें बस मुझ तक थी, अब तू किसी और के लिए मुझे इग्नोर करे, ये तो मुझे हर्ट करेगा ना। भले ही दोस्तों के बीच में ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं होता, लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो होती है ना। मैं तेरा वेट करूं और तू किसी और को पूरा अटेंशन दे, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे, उससे ज्यादा बातें करे। भले ही मैं हक से बोल ना सकूं, पर मेरी खामोशी भी अब नहीं समझी जाती, बातों के भी गलत मतलब निकाल लिए जाते हैं। पता नहीं क्यों हर चीज अब टेम्पररी लगने लगी है, इनफैक्ट फ्रेंडशिप भी। रह रह के ऐसा फील होता है कि भरोसा किया है तो सफर तो करना पड़ेगा ही, सजा तो मिलनी है ही। खैर, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई मिस यू अ लॉट। काश हम पुराने जैसे रहते हमेशा।